बिहार सरकार फर्जीवाड़े में नंबर वन है। एक आध बार नहीं, कई बार हमने सदन के अंदर में भी सबूत एविडेंस पेश किया है। और बिहार सरकार जिस तरीके से आंकड़े छुपा रही, चाहे पहले टेस्टिंग के मामले का हो, टेस्ट होता भी नहीं था, लोगों का रिपोर्ट आ जाता था, तो इस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं अब लोगों के सामने आ गए। बिहार में तो हालात बद से बदतर स्थिति थी, अभी भी जो है अनरिपोर्टेड कितने मामले होंगे उसका कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। हम लोगों ने काफी सीमित लोगों से मिलने की अनुमति दी है, क्योंकि ज्यादा रिस्क हम लोगों को लेना नहीं है सेहत को देखते हुए। तो केवल जो परिवार के लोग हैं जी, उन्हीं से लालू जी जो है मुलाकात कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जो गरीबों के मसीहा हैं, समाजवादियों को जिस प्रकार से इन्होंने जागरूक करने का काम किया, और अभी भी बिहार में ही नहीं देश भर में लोग लालू जी को मिस कर रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि फिर से वो जल्द से जल्द जो है मुख्य राजनीति में आए, और जिस प्रकार से वो उनका जीवन रहा है संघर्ष का जी, और आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर देश को अगर ज़रूरत है तो ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो कि सीधे जो है सांप्रदायिक शक्तियों से चुनौती ले सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके। कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं बिहार में, जो कल पिछले दिनों में खुलासा हुआ। आप तो देखिए ना, बिहार सरकार फर्जीवाड़े में नंबर वन है। एक आध बार नहीं, कई बार हमने सदन के अंदर में भी सबूत एविडेंस पेश किया है। और बिहार सरकार जिस तरीके से आंकड़े छुपा रही है, चाहे पहले टेस्टिंग के मामले का हो, टेस्ट होता भी नहीं था, लोगों का रिपोर्ट आ जाता था, तो इस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं अब लोगों के सामने आ गए। बिहार में तो हालात बद से बदतर स्थिति थी, अभी भी जो है अनरिपोर्टेड कितने मामले होंगे उसका कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। सरकार पूरी तरीके से हर एक मोर्चे में विफल रही है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कोई मामूली आंकड़ा नहीं था जी, अब एक्सेप्ट कर रही है 9,500 के करीब का। आप समझिए कितने हजारों की संख्या में इन्होंने आंकड़े छुपाने का काम किया, जिनकी मृत्यु हुई, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस प्रकार से चल रही है। अभी तो हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये रिकवर करें, और लोगों का जिस प्रकार से प्यार दुआ मिलेगा जल्द से जल्द लालू जी लोगों के बीच हो। ABP News, आपको रखे आगे।